गुजरात में दूसरे चरण के लिए भी प्रचार लगातार जारी है और बीजेपी का मिशन गुजरात क्या सफल होगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल धोलका विधानसभा क्षेत्र में जनसभा कर रहे हैं सीएम योगी, क्या क्या कुछ कह रहे हैं आइए जान लेते हैं उनकी जुबान से क्या निकल रहा है। इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी दो दिन पूर्व गुजरात विधानसभा क्षेत्र के 89 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान हुए हैं। प्रथम चरण के मतदान के बाद जो रुझान सर्वे के अनुसार दिखाई दे रहे हैं, इसमें भारी बहुमत के साथ गुजरात में फिर से डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। भाइयों बहनों, 5 दिसंबर को आप सबको द्वितीय और अंतिम चरण के मतदान में भाग लेना है और इसीलिए मैं आज आप सबके बीच में विशेष रूप से इस मंच के साथ अपील करने के लिए आया हूं कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास की रफ्तार भी बुलेट ट्रेन की तर्ज पर आगे बढ़ती है। और भाइयों बहनों, ये तो गुजरात का सौभाग्य है। गुजरात हमेशा से देश के लिए एक मॉडल रहा है, नेतृत्व करता रहा है। खासतौर पर जब भी देश के सामने कोई चुनौती आई है तो उस चुनौती से उभारने में गुजरात ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। कौन नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में जन्मे कृष्ण कन्हैया इसी गुजरात की धरती में आते हैं तो द्वारिकाधीश होकर के लोग पूज्य हो जाते हैं। कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश की धरती में जन्मे स्वामी भगवान स्वामीनारायण गुजरात की धरती में आते हैं, भगवान स्वामीनारायण के रूप में लोग पूज्य हो जाते हैं। और भाइयों बहनों, ये गुजरात की धरती का महात्मा है। सामाजिक बिखराव की स्थिति जब मध्यकाल में मुगल आक्रांताओं के कारण भारतीय समाज में देखने को मिला था, तब स्वामी दयानंद सरस्वती भी इसी धरती की देन है। देश की आजादी में जब किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति दिखाई दे रही थी, लोगों में भय था कि पता नहीं क्या होगा, देश लगता है कभी आजाद नहीं होगा। उस समय देश की आजादी को मुखर स्वर देने और उसका नेतृत्व करने के लिए आजादी के आंदोलन के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए और जिनके नेतृत्व में देश स्वाधीन हुआ। ये भी गुजरात की धरती की देन है। भाइयों बहनों, ये गुजरात की धरती की देन है। देश की आजादी के बाद भारत का एकीकरण का एक चुनौती थी। कौन नहीं जानता कि जूनागढ़ का नवाब, हैदराबाद का निजाम कभी भी भारत गणराज्य का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ही बार कहकर के कि अगर बातों से नहीं मानोगे तो दूसरी भाषा में समझाएंगे। जैसे 561 रियासत भारत गणराज्य का हिस्सा बन रही है, वैसे ही जूनागढ़ और हैदराबाद को भी बनना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, सरदार साहब की सूझबूझ और दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने उस समय जूनागढ़ और हैदराबाद को भी भारत गणराज्य का हिस्सा बनना पड़ा था।